फ्रेंड्स, पैसा पैसा बनाता है, लेकिन कितना पैसा कितने वक्त में कितना पैसा कमाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक टेबल बना आपको दिख रहा है, जिससे आप जान सकते हैं कि 100 रुपीज बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो जो करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक के द्वारा दी जा रही हो, उसके हिसाब से 12 मंथ में आपको जो इंटरेस्ट रिटर्न होगा वह 6 रुपए 25 पैसे होगा, और 1 मंथ में यह 52 पैसे होगा, 1 दिन का यह 2 पैसे होगा, और आवर मिनट की वैल्यू बहुत कम है, इसलिए यह शो नहीं होगी। दोस्तों, ये टेबल आपको एक कैलकुलेटर की तरह हेल्प करेगा ये जानने में कि आपका पैसा कितने वक्त में कितना हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आप 1000 इन्वेस्ट कर रहे हैं बैंक में, तो आप जान सकते हैं कि 1 मंथ का जो इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा वो 5 रुपए 21 पैसे होगा, यानी 5 रुपए 21 पैसे आपको हर महीने बैंक की तरफ से रिटर्न आते रहेंगे आपके अकाउंट में, अगर आप 1000 फिक्स डिपॉजिट में सेव करते हैं। और 1 डे का जो आपको प्राप्त होता रहेगा वह 17 पैसे होगा। और दोस्तों, ये अमाउंट अगर आप फिक्स डिपॉजिट में परमानेंट रखते हैं, यानी फिक्स डिपॉजिट से इसे नहीं निकालते, तो ये वाला जो अमाउंट आपको इंटरेस्ट के रूप में दिख रहा है, लाइफ टाइम आपको आता रहेगा, फॉर एवर आता रहेगा। पैसा पैसे को कमाता है, 1000 हर रोज आपके लिए 17 पैसे कमा रहा है। अगर यही अमाउंट थोड़ा सा और बढ़ा दिया जाए, 10,000 कर दिया जाए, तो प्रतिदिन आप 1 रुपए 71 पैसे कमा रहे हैं। बैंक आपको आपके 10,000 के लिए ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में 1 रुपए 71 पैसे रिटर्न करेगा। दोस्तों, पैसे से पैसा कमाना एक आर्ट है। अगर आप अपना पैसा स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा भी पैसा कमाता है। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आपको टेबल दिख रहा है, इसे कैसे बनाया गया, इसमें कौन से फॉर्मूले लगे, आइए इसे सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप एक्सेल ओपन करिए, उसके बाद पहले दो कॉलम को सिलेक्ट कर दिया और मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर दिया। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोनों एक हो गए। यहां पर आप लिख लीजिए INPUT इनपुट, उसके बाद यहां ठीक नीचे आप लिखेंगे प्रिंसिपल, यहां पे आप लिख देंगे RATE रेट, और यहां पर आप लिख देंगे 12 मंथ, यहां पर 1 मंथ, 1 डे, वन आवर, वन सेकेंड, और इसके ठीक ऊपर वाले सेल्स को सिलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देंगे, और इसमें आप लिख सकते हैं इंटरेस्ट अब इन दो सेल्स को सिलेक्ट करके इनका फॉन्ट बड़ा कर दें, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। इसके बाद दोस्तों, प्रिंसिपल में आप अमाउंट डालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट आप बैंकिंग से लेंगे। वर्तमान में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6.25 है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 मंथ या इससे अधिक के लिए है। अब यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, यानी A3 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी B3 मल्टीप्लाई बाय टाइम, यानी 1 ईयर, डिवाइडेड बाय 100। बहुत सिंपल सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है,
इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मूलधन में हमने यानी प्रिंसिपल में हमने A3 लिया, वहां पे हम प्रिंसिपल अमाउंट डालेंगे। उसके बाद दर के लिए हमने B3 लिया, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखी गई है 6.25, और टाइम के लिए 1 ईयर लिया और उसको डिवाइड कर दिया 100 से। तो अमाउंट अगर आप डालते हैं 100 रुपीज, तो आपका जो इंटरेस्ट है 6.25। इसके बाद अब एक मंथ का हम निकालेंगे, तो यहाँ पर आपने इक्वल टू कर देना है। इक्वल टू करने के बाद जो आपका 12 मंथ का इंटरेस्ट है वो C3 में लिखा गया है, इसलिए C3 लिखेंगे, और उसके आप 12 बराबर टुकड़े करने जा रहे हैं, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एक मंथ का इंटरेस्ट आपको प्राप्त होगा। यह वैल्यू दशमलव के बाद बहुत ज्यादा दिख रही है, तो आप क्या करिए, इसको सिलेक्ट करके आप यहां पर इस एरो पे क्लिक कर दीजिए, और यहां से आपने नंबर पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, दशमलव के बाद केवल 2 डिजिट तक ये शो करेगा, बाकी की वैल्यू को ये राउंड अप कर देगा। अब डे का हम निकालते हैं, इक्वल टू जो आपका वार्षिक इंटरेस्ट है यानी 6.25 रुपए, उसको डिवाइड कर देंगे 365.25, यानी C3 जो साल का इंटरेस्ट निकल के आ रहा था उसको 365 दिनों में हमने डिवाइड किया, तो हमें प्राप्त हो रहा है 17 पैसे। इसको भी हम दशमलव के बाद 2 अंकों के लिए लेना है, तो यहाँ पे क्लिक करके नंबर पे क्लिक कर देंगे, और यह 2 पैसे के हिसाब से आपको प्राप्त हो रहा है। दोस्तों ऊपर हमने यहाँ पर मिनट लिख दिया है, इसको आवर कर देंगे, HOUR आवर, और यहां पर हम क्या कर देंगे, मिनट कर देंगे। यहां पे फॉर्मूला होगा आवर के लिए इक्वल टू E3 डिवाइडेड बाय 24। 24 आवर का एक दिन होता है, तो इसलिए एक दिन का जो इंटरेस्ट है उसको 24 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 आवर का इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा। यह वैल्यू भी हम नंबर में जाकर के इसको 2 डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है 1 मिनट का, उसको आप इस तरह से करेंगे फॉर्मूला F3 डिवाइडेड बाय 60। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 60 से उसे डिवाइड कर देंगे, तो 1 मिनट का हमें प्राप्त हो जाएगा। इसको भी आप नंबर में जाकर के नंबर कर देंगे। सेकंड्स का क्या रहेगा, इक्वल टू G3 डिवाइडेड बाय 60, और इसको इस वैल्यू को भी आप यहां पे जाकर के नंबर कर देंगे। दोस्तों अब अमाउंट आप बढ़ा के देख लीजिए 1000, तो आप देख सकते हैं 12 मंथ का 62.50 रुपए, 1 मंथ का 5.21 रुपए, 1 दिन का 17 पैसे, 1 आवर का 1 पैसे, और मिनट और सेकंड की वैल्यू बहुत कम है, जो 0.000 में होगी। अब इसे आप कलर कर दीजिए, यहां से कलर आप चूज करके कोई भी कलर शो कर सकते हैं, यहां पे आप अनदर कलर दे सकते हैं। और ये आपका टेबल तैयार है। इसके बाद का जो प्रश्न है इसके अपोजिट में है, इसके रिवर्स में हम पूछ सकते हैं कि एक दिन का अमाउंट हमारा 50 रुपए हो, एक दिन का हमारा इंटरेस्ट 50 रुपए हो, इसके लिए कितना प्रिंसिपल अमाउंट हमें जमा करना पड़ेगा। इस प्रश्न का आंसर हम इस प्रकार से लेंगे, एक दिन का इंटरेस्ट हमें 50 रुपए चाहिए, तो क्या करना होगा, यहां पर आपने डे के नीचे कर्सर को रख देना है, इस सेल को एक्टिव कर देना है, इसके बाद डेटा पे क्लिक कर देना है। डेटा टैब के बाद व्हाट इफ एनालिसिस पे बन रहे एरो पे क्लिक कर देना है, उसके बाद गोल सिक पे क्लिक कर देना है। गोल सिक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पे गोल सिक ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स आपसे कुछ वैल्यू मांग रहा है, जो इसमें पहले नंबर पे जो लिखा गया सेट सेल उसमें E3 है, जिस सेल्स में हमने क्लिक करके रखा था, इसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट वैल्यू है 2 वैल्यू, यहां पर आपने वो अमाउंट लिखना जितना आप चाहते हैं, तो हम 50 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से इंटरेस्ट चाहते हैं, वो आपने यहां एंटर कर दिया। नेक्स्ट फील्ड में
पूछ रहा है बाय चेंजिंग सेल, तो आप क्या चेंज करना चाहते हैं, यानी क्या पता करना चाहते हैं? तो हम पता करना चाहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट, तो इसलिए आप जहां भी प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू लिखी है वहां पे आप क्लिक कर दीजिए, और उसके बाद इसका एड्रेस अपने आप आ जाएगा, ये एब्सोल्यूट रेफरेंस में आएगा, आपने सिर्फ क्लिक करना है और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही एनदर ओके करने के बाद आपको यहाँ पे एक प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आएगा। अगर आप 2,92,200 रुपए फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं तो प्रतिदिन आप 50 रुपए के हिसाब से इंटरेस्ट प्राप्त करेंगे, और यह तब तक रहेगा जब तक आप इस अमाउंट को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।